हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइस व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड भैया के घर से। और इस टाइम लोग भैया के रूम के अंदर हैं और ये चक्कर है हमारे दोनों भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो भाई लोग। भाई ये लोग अपना मस्त नहा धो के एकदम फिट फाट होकर बैठे हैं। मैं अभी नहाया नहीं हूँ, उठाया ब्रश किया है और कपड़े चेंज किए हैं। मैं जा रहा हूँ, क्यों मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे लेनी दवा। मेरी दवा खत्म हो चुकी है, डॉक्टर का कॉल आया था तो मैं जा रहा हूँ दवा लेने। तो चलते हम लोग बाहर, मौसम के हालात देख लीजिए अब कैसे हैं। वही कड़कड़ाई धूप में जाना पड़ेगा, वॉट लग जाएगी, पसीना पिसीना अभी से ही हो गया, अभी मैं निकला नहीं हूँ, अभी से हालत हो गई है। तो चलते फिलहाल दवा लेके आते हैं, फिर अपना आराम से आएंगे, चेंज करेंगे, नहाएंगे वहाएंगे। बाकी आज कहाँ प्लान है जाने का, कुछ आइडिया? आश्रम। तुम्हें कुछ आइडिया कहाँ चलेंगे? आश्रम चलते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि सुधांशु आश्रम है तो हम लोग वहाँ जाएंगे आज। भगवान जी का मंदिर बहुत प्यारा बिठूर में, और सोचा कि घाट वगैरह चलेंगे। तो भैया भी कुछ काम से गया हुआ है, मैं भी निकलता हूँ, मिलता हूँ आपको बाहर। गाइस यार फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ डॉक्टर क्लिनिक, चलता हूँ अंदर फटाफट दवा ले लेता हूँ। और आप जानते हैं ब्लॉग तो कर पाऊंगा नहीं क्योंकि डॉक्टर के सामने पॉसिबल नहीं है, एकदम सामने बैठे रहते हैं। तो फटाफट दवा ले लेता हूँ फिर मिलता हूँ। गाइस यार जैसा कि आप देख रहे हैं दवा मुझे मिल चुकी है, दवा ले ली हमने, अब निकलते हैं यहाँ से। और यार डॉक्टर अंकल मुझे बहुत डांट रहे थे कि मैंने दवा में दो दिन का गैप कर दिया, तो बहुत गुस्सा कर रहा था यार। एक्चुअली मैंने दो दिन के लिए यहाँ आ गया था तो टाइम मिल पाया नहीं मेरे को, मैं बिजी हो गया था बर्थडे में कल भैया के, कल भी भूल गया, आज मेरे को याद है मैं आज दवा लेना आया, तो मुझे बहुत डांट पड़ी है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे दवा का गैप नहीं करना, मैंने बहुत डांटेंगे सर। फिलहाल मैं निकलता हूँ, दवा ले ली है, मिलता हूँ आपके घर पर। और चलते नहाते वाते हैं, भैया भी शायद आगे होगा अपना काम करके, मिलते हैं आपको घर। यार गैरेज में पहुँच चुके हैं हम लोग, स्कूटियाँ पार्क कर दी है, चलते हैं फटाफट ऊपर, मिलते हैं आपको सीधा कमरे। चलिए गाइस फाइनली हम रूम पर आ चुके हैं, गए हैं बहुत थक, अब चेंज करते हैं फटाफट नहाते वाते हैं, फिर मिलते हैं आपको आराम से फ्रेश होने के बाद। यार फाइनली मैं मस्त नहा के आ चुका हूँ, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यार दोपहर मैं नहाया हूँ भाई, इतना जोर धूप हो रही थी ना, कुछ पानी बहुत गर्म आ रहा था, किस तरह मैंने पानी जुगाड़ करके नहाया मैं ही जानता हूँ यार, हालत टाइट हो गई यार, इतना गर्म पानी था। चलिए फिलहाल मैं चेंज कर लेता हूँ, कपड़े पहनता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। यार फाइनली वो मस्त नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, इधर अपनी पूरी फैमिली है, ये सब बढ़िया, ये सब भी नहा धोकर रेडी है। अब चलते लो नानी के, आपको बहुत दिन से नानी घर नहीं दिखाया, आज चलते हैं मस्त आपको नानी घर दिखाते हैं। आज नानी का सिलेंडर खत्म हो गया है किचन का, चल के उसे चेंज करना है, तो चलते हैं नानी के मोहल्ले में, आपको दिखाते हैं अपना नानी घर कैसा है। चलिए हमारे साथ साथ आप लोग। देखिए हम जा रहे नानी क्या, उससे पहले मिल गए हमको हमारी स्नोपी, हमारी छत खिली खिली कर रही है, कह रहे हैं थोड़ा खिली खिली कर लो फिर जाना, थोड़ा खिला देते हैं उसको, चाहे सुबह से छुआ नहीं, आपको दिखाया नहीं मैंने कल से ब्लॉग में, आज स्नोपी देख लीजिए आप। ये स्नोपी जी खाई कर लो, हाय जी स्नोपी हाय। गाइस बताइए जो टाइम बचना चाह रहे थे धूप से, वही टाइम हम लोग को निकलना पड़ रहा है, वाट लगी जा रही है ना, बहुत तेज धूप है यार, अगर वो मिल गया वो कम खाता हूँ। तो गाइस यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नानी के घर। हे जवन नानी घर, हे जवन नानी श्रेष्ठ, नमस्ते पीयूष। और यार हम लोग बैठे हैं, आगे बैठ चुके हैं, चाबी खोलना हम लोग को नानक तारक कमरे की, और चाबी चेंज हो गई तो भैया लेने गया, चाबी लेके जैसे भैया आता है फिर से हम लोग ताला खोलेंगे, सिलेंडर निकालेंगे, फिर सिलेंडर हम लोग को दिखाते हैं नानी का। ये किचन है, ये अपना सिलेंडर, ये खाली, ये लगाना है, ये अपना नानी का किचन, यहाँ कुंडी लगा रखी है। हम लोग पहले आते थे ना जब दिल्ली से, तो यहीं मस्त खड़ो के खाना वाना बनाते थे और मस्त यहीं खिड़की का व्यू एंजॉय करते थे। पूरा पहले खुला तब तो बन गया है, पहले पूरा खुला था, मस्त हवा आती थी, और उन्हें बहुत यार बचपन में आके मैं जून छुट्टियों में खाते थे पीते थे, यही मस्त रुकते थे यार। अब वो दिन यार याद आते हैं, छोटे थे ना, अब तो कुछ यहाँ है नहीं, रेप तो अजीब सा हो गया, बंद बंद जैसा फील हो रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत मजा आती थी। बाकी मैं नानी गली का व्यू है बाहर का दिखाते हैं आपको, बड़ा बेकार व्यू है थोड़ा सा, ये चक्कर है इधर, बस इसके आगे मत देखिए, इसके आगे देखिए आप डर जाएंगे। बहुत ही खतरनाक भी है। फिलहाल भैया चाबी ले, फिर बात करते हैं आप। घर पर आ चुके हैं और नानी का जो काम करेंगे सिलेंडर लगाने वो हम लोग से लगा नहीं, तो भैया ने अपने को स्टाफ का आदमी भेज दिया, वो लगा देगा। एक्चुअली उसका रेगुलेटर थोड़ा खराब था तो हम उसे लग ही नहीं रहा था, अब वो अपना आगे खुद लगा देगा जैसे भी है। फिलहाल हम चलते हैं, सब लोग बैठे अंदर, हम लोग अंदर ही चलते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऊपर वापस से कमरे में, चलाते कमरे की लाइट्स, फटाफट चेंज करते हैं, खाने का टाइम हो चुका है, मौसी ने खाना निकाल दिया, पहले चेंज कर लें तो मिलते हैं आप। चलते हैं नीचे, अपना खाना रेडी हो रहा है, बस खाना खाते हैं, मिलते हैं आपको हम लोग खाने के साथ। सो गाइस यार बढ़िया अपना मस्त खाना पीना बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया। अब हम लोग का टाइम हो चुका है मूवी देखने का, तो भैया एक मूवी लगाइए, असुर, एक मूवी आपने सुनी होगी, असुर नाम है उसका, बहुत मतलब इस टाइम हाइप मची हुई है उसकी। तो कल हमने उसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट ही एपिसोड देखा है, तो आज वही सेकंड एपिसोड लगाने वाले हैं, तो अभी सब लोग सेटअप करेंगे ऊपर चल के, कहते लैपटॉप लगाएंगे, पूरा गद्दा बिछाया जाएगा, सब लोग बैठेंगे, फिर साथ में देखा जाएगा मूवी। तो फिलहाल थोड़े बैठते हैं, भैया खाना खा रहे हैं, भैया भी खा ले, फिर चलते हैं ऊपर, मस्त आपको दिखाते हैं अपना सेटअप जहाँ सब लोग बैठ के मूवी देखेंगे। इस फाइनल टाइम हो चुका अपना मूवी देखने का, और अपनी टीम इज हियर, ये अपनी दीदी भैया श्रेष्ठ, इधर अपने भैया,
यहाँ पे अपने मूवी स्टार्ट कर रहे हैं सुर, और ये हमारा सेटअप है आज का। सब लोग बैठ के मस्त मूवी एंजॉय करेंगे। अब फटाफट लाइट ऑफ करते हैं क्योंकि मूवी स्टार्ट हो चुकी है। मिलते हैं आपको मूवी देखने के बाद। गाइस यार फाइनली मैं तो सो के उठ चुका हूँ और ये लोग देख रहे थे बैठ के मूवी। ये लोग अभी मूवी खत्म करी है, खत्म करके ये लोग बैठेंगे। ये देखिए क्या हालत करती पूरी बिस्तर की, सेटअप पूरा अट गया है। शाम हो चुकी है, 6 बज गए। कहाँ ये लोग 12 बजे देखने बैठे थे, 12 से 6 लगातार 5-6 घंटे मूवी देखिए बैठ के। भाई मैं तो सो गया आराम से, मैंने कहा हम तो नींद पूरी करेंगे। अब फिलहाल उठ चुके हैं, अब चेंज वेंज करते हैं और चलते हैं भैया कह रहे बाहर टहल के आते हैं और कुछ वीडियोज वगैरह बनानी भैया को वो भी बना। कहाँ चलते हैं कुछ पता नहीं है, पहले रेडी हो जाते हैं फिर मिलते हैं आपको। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, शाम को दिखाते हैं आपको, इसलिए और जाने का मन कर रहा है। धूप है वैसे, पर धूप जाने लगी है वैसे, ठीक है ऐसा छाँव हो जाए, धूप हल्की धूप है, मतलब लगेगी नहीं, जाने वाली धूप है। तो फिलहाल रेडी होते हैं फिर मिलते हैं आप। गाइस वी आर रेडी, चलते हैं हम लोग बाहर। आइए चलते हैं पहले हम लोग ऊपर, आपको ऊपर मौसम दिखाते हैं कैसा बढ़िया मौसम हो रहा है। ये लीजिए गाइस क्या बढ़िया मौसम हो रहा है शाम का। हम लोग आ चुके हैं छत पर और धूप जा चुकी है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत हल्की हल्की धूप है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यार। और यहाँ पे ये चेक करें आप, NY सिनेमा जो कि अजय देवगन का थिएटर है वो उसकी ओपनिंग हो चुकी है। बाकी ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक, और हम लोग निकलते हैं मस्त कहीं घूमने के लिए। ऑफिस बैठा है भैया, नीचे बैठा, चलते हैं हम लोग नीचे। हम लोग भी मस्त आराम से घूम के आते हैं, तैयार हो चुके हैं। और बताइए शर्ट वर्ट पर कैसी लग रही है, आती अच्छी लग रही होगी भाई, आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल चलता हूँ नीचे मैं मस्त। हम लोग आज कहाँ जाते कुछ पता नहीं है, कोई पार्क सोचते जाने के लिए या फिर देखते कोई और अच्छी लोकेशन मिलती है, तो फटाफट चलते हैं नीचे, मिलते हैं भैया के पास। यार इंजन प्लान, और हम लोग जा रहे हैं मामा के यहाँ। मौसी ने कहा कि एकदम से यार मामा का फोन आया तो उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, सब लोग आज आए भी हुए थे तो उन्होंने कहा, मामा ने कहा कि सब लोगों को ले आओ। हम लोग जा रहे हैं कार निकाले गैरेज से और मस्त चलेंगे हम लोग आज मामा के यहाँ। और मामा को आज हम लोग पानी पिलाएंगे, अब आपको मामा के डॉग से दिखाऊंगा। मामा के पास 2-2 डॉग है, जर्मन शेफर्ड, बहुत हैवी, और आपको उनको भी दिखाऊंगा। और मामा का बच्चा है छोटा सा, उसको फर्स्ट टाइम दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं यहाँ से, कार निकालते हैं फिर मिलते हैं। चलिए बैठते हैं हम लोग कार में, चलते हैं मामा के यहाँ। मस्त बैठ गए फाइनली, अब चलते मामा के यहाँ, मिलेंगे सीधा मामा के यहाँ। रास्ता तो कुछ याद नहीं यार, किस तरह बैठे देख लीजिए। यार फाइनली पहुंच चुके हैं मामा के घर, और आप देखिए आपको दिखाते हैं मामा के डॉगीज से। आते हम लोग को देखिए वो परेशान कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, और बहुत हैवी डॉग है, जर्मन शेफर्ड, दिखाता हूँ कहाँ है आपको। और बहुत डेंजर डॉग है, और ये चक्कर है गाइस, ये है मामा के डॉग, डेंजर डॉग है ये। फाइनली चलते हैं लोग मामा घर के अंदर, बहुत गर्मी हो रही है, चल के अंदर बैठते हैं। हम लोग वीडियो बनाने आए थे, वीडियो बन गई है, अब चल के अंदर मस्त कुछ चाय पानी एंजॉय करते हैं। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन चलते हैं उम्मीद लगा के। आइए आप लोग चलो। तो गाइज यहाँ से होती है मामा घर की एंट्री, ये चेक करें आप। तो गाइज यार हम लोग पहुंच चुके थे मामा के यहाँ, आपको दिखाते हैं मामा क्लिनिक। मामा डॉक्टर है ना, तो उन्होंने अपनी क्लिनिक खोली घर पर ही, तो आपको दिखाते हैं। ये चेक करें, ये मामा क्लिनिक एरिया, यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पूरा वहाँ बैठेंगे जैसा भी है। वो सेटअप बना रहे हैं, पता नहीं कैसा है फिलहाल, जब पूरा बन जाएगा तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। बाकी वो वॉक अराउंड कर लीजिए पूरे सेटअप का, बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइटिंग अच्छी है यहाँ पर, पेशेंट को मजा आएगा दिखाने में। गाइस यार फाइनली हम लोग मामा घर से बाहर आ चुके हैं, और इधर मौसी जी ले रही है यहाँ पे सब्जी, तो फटाफट सब्जी ले लेते फिर चलते हैं घर। और काफी दूर के मामा के काफी अच्छा लगा, काफी देर बातें करी, खास में बैठे बैठे हम लोग बढ़िया दिन ना, मस्त मजा आ गई। फिलहाल सोचते बेस्ट कहते हैं चलते हैं रात में गेड़िया मार के आते हैं अगर मूड बनेगा तो। वैसे मौसम बढ़िया हो रहा है रात का, ये देखिए ट्रैफिक है रोड पे, मजा आएगी। फिलहाल अभी चलेंगे, बेहद पूछेंगे अगर कहीं चलने का प्लान बनेगा तो मस्त चलेंगे, घूम के आया जाएगा। और पहले सब्जी ले ले मौसी, इसके बाद बात करते हैं। यार फाइनली हम वापस से आ चुके हैं घर, आगे जैसे बैठे हैं यार, और बढ़िया रहा, बहुत थक गया, आगे जाने का मन किया बट थक गया, मन ही नहीं किया, तो चटा भाई चलते हैं वापस से, चेंज वेंज करते हैं, चल के बैठते हैं। ये लोग अपना मस्त कैटर सेलिब्रेशन खा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा इन लोग का, कितने निपटा दिया भाई, बहुत भूखे थे ये लोग, बारी बारी करके एक एक करके सारे निपटा दिए, पूरा खाली कर दिया। चलिए फटाफट चेंज करते हैं, फिर जाना कहीं है नहीं यार, तो बस हम देखते क्या कर सकते हैं, खाना है, भूख लग रही है, तो देखते हैं फिलहाल जैसा भी होता है बताते हैं। यार फाइनली हमने चेंज वेंज कर लिया है और अपना खाना आ चुका है, ये चेक करें गाइस, दाल चावल सैलेड बढ़िया। इधर अपने भाई लोग मस्त निपटाते हैं खाना, और लगी बहुत जल्दी भूख, तो पहले सब लोग आ जाते हैं फिर खाते हैं। शुरुआत तो कर ही देते हैं खीरे के साथ। यार बढ़िया खाना पीना हो गया, मजा आया खा पी के, सब लोग बैठे आराम से,
और भाई कुछ खाने का मन करा नहीं कर रहा, कुछ मन तो करा ना ऊपर से। गाइस यार हम लोग खाना खा के आ चुके थे बढ़िया मस्त भैया के ऑफिस में, आराम से बैठते हैं अपना आधा एक घंटा, बहुत सही लग रहा है। सुबह से ऑफिस में हम लोग आए नहीं, पूरा दिन बाहर घूमते रहे, यहाँ गए वहाँ गए, और अब जाके फ्री हुए तो मैंने सोचा थोड़े बैठते हैं ऑफिस में। घर में सब भैया सब लोग बैठे हुए हैं, पीयूष अपना उधर बात कर रहा है फ़ोन पे, हम लोग अपना मस्त यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, अभी खाना वाना खा ले टहलते हैं अपना यहीं पर, जैसा भी होगा बताएंगे। गाइस यार फाइनली हम लोग मस्त खा पी के बढ़िया ऑफिस में बैठे थे भैया थोड़ी देर, ऑफिस से भी ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आ गया हूँ छत पर, थोड़े छत पर टहलता हूँ, खाना खाया थोड़ा वॉक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा पेट डाइजेस्ट हो जाए, बाकी उसके बाद चलते हैं नीचे, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एडिटिंग, और सब लोग नीचे बैठे हैं कमरे में, सब लोग देख रहे हैं बैठ के मूवी असुर बताया ना मूवी आपको कंटिन्यू, वही लोग देख रहे हैं, बहुत पसंद आ रही उन लोग को, वो लोग लगे पड़े हैं, मैं देख ही नहीं पा रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं आराम से बैठ के अपना मोबाइल चला रहा हूँ, वो लोग मूवी देख रहे हैं। अब चलता हूँ मैं भी नीचे बैठ के एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और अपना आगे काम करता हूँ। तो ठीक है गाइस ब्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।